क्या आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं? आज से एक कमिटमेंट लेकर जाएंगे, नहीं सोचेंगे कि हमारी कितनी पढ़ाई है, नहीं सोचेंगे कि हमारी कितनी उम्र है, नहीं सोचेंगे कि अभी किस प्रोफेशन में है, नहीं सोचेंगे कि हम बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं और एक ऑफिस में जाते हैं या एक सिंपल होम मेकर हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। एक ही चीज सोचेंगे कि सपना है तो मोदी केयर है, और मोदी केयर है तो सपना पूरा भी होगा। आज जाएंगे तो एक कमिटमेंट लेकर जाएंगे कि भगवान ने बार बार जिंदगी नहीं दी है हमारे को, मनुष्य की जिंदगी दी है। बर्थ हमारे कंट्रोल में नहीं था, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, गुड़गांव या कौन सा शहर नहीं पता, जहां भगवान ने चाहा हम वहां पर पैदा हुए। जो माँ बाप थे उनका जिंदगी भर थैंक यू। जिस कंडीशन में हम थे, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास थी, मिडिल क्लास थी, अपर मिडिल क्लास थी, थैंक यू। डेथ हमारे कंट्रोल में नहीं है, किस दिन हम चले जाएंगे हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो बीच के 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल है वो हमारे हाथ में है और उसको नंबर वन बनाएंगे। या तो चैलेंजेस को देखते रहेंगे या चैलेंजेस को पार करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। आज देखा था कितना सेलिब्रेशन है, यहां दिख रहा है ना, ऐसा कभी नहीं होता, आज हो रहा है। ये सेलिब्रेशन के लिए सब लोगों ने दिन रात एक किया है, सुबह उठे हैं, सबने बेसिक किया है। एक तारीख को पता ही नहीं चलता कि किस तरीके से हमारे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख बीवी हो जाते हैं, क्योंकि सब एक नियम बना रहे हैं, एक तारीख को ही लॉयल्टी कर देते हैं। जो चीज 15 को करनी है दिमाग में डाल दिया, वो एक तारीख को भी कर सकते हैं। जिस समय सोचा कि भैया लोगों से मिलना है तो 300 की लिस्ट मोबाइल से निकल सकती है, उठो और पार करो एक दुश्मन को। एक दुश्मन है जिसको हम पार करना चाहते हैं, बड़ी मुश्किल आती है, और जैसे जैसे मैंने उसे पार किया है, मैं जीवीडी के नजदीक होते चला गया हूं, वो दुश्मन है हमारे घर का दरवाजा। बड़ा मुश्किल होता है उसे खोलकर बाहर जाना, बड़ा आसान लगता है बिस्तर पे बैठ के टीवी देखना, सीरियल देखना, न्यूज देखना, कोई मूवी देखना। देखिए ना मूवी, मैं कोई मूवी अच्छी नहीं छोड़ता हूं। अभी आमिर खान की पिक्चर देख चुका हूं, मैं अपनी पूरी फैमिली को दिखा चुका हूं, मम्मी का बर्थडे था, सबने सेलिब्रेट किया था, खूब एंजॉय करता हूं। लेकिन काम के समय काम, नियम बना लिया हफ्ते में 5 दिन काम करना है, 3 दिन काम करना है या 1 दिन काम करना है, तो करना है। अगर एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे तो एक इंजीनियर जो नौकरी करता था, जिसने ट्रेडिशनल बिजनेस किया, हर जगह बड़ी सोच के साथ गया, क्योंकि पापा हमेशा कहा करते थे जिसकी बड़ी सोच है, जिसका दिल बड़ा है, वही व्यक्ति अमीर है, जिसके पैसे ज्यादा है वो अमीर नहीं है। और यही सोच मुझे यहां तक लेकर आई और मैं नेटवर्क मार्केटिंग में घुसा। और सोचिए कि वहां पर तो हर साल एक बार इंक्रीमेंट मिलता था, अभी 12 महीने के अंदर 10 बार इंक्रीमेंट ले चुका हूं। करीबन 6.5 लाख रुपए महीना कमाता था, अब करीबन 13 लाख रुपए महीना कमाता हूं। मेरी बिटिया आज कॉलेज में जाती है, 50,000 रुपए महीना कमाती है। मेरी मम्मी रिटायर्ड टीचर है, आज करीबन 20,000 रुपए कमाती है। अच्छा है या बुरा है आप बता दीजिए, तालियां तो नहीं कहती है, अच्छा है। मतलब पता है कितना होता है, मतलब लगभग 50,000 रुपए रोज आता है। मतलब पता है कितना होता है, मतलब करीबन 6,000 रुपए हर घंटे में आता है। मतलब हर मिनट में, एक मिनट हमने बात की, मैं 100 रुपए मेरी जेब में आ जाता है। फिर लोग सोचते हैं कि ये भैया खर्चा कैसे हो रहा है, अरे 100 रुपए आ गया ना, एक मिनट और भी थी, आ गया 100 रुपए, आ गया हर मिनट का 100 रुपए, हर मिनट का 100 रुपए। चाहिए चाहिए, बस आज के बाद छोटा सोचना छोड़ दीजिए। आज कमिटमेंट कर लीजिए कि या तो फैमिली से प्यार करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि दो पेन हमेशा हमारे को मिलते हैं, हमेशा मिलते हैं। पहला पेन, छोटे स्कूल में बच्चे हैं तो पढ़ने दो। पहला पेन कि अगर हमारे घर में बाइक है तो बाइक को चलने दो, बहाने बनाते जाओ, हमारी तो तंग गली है, कार आती नहीं है, घर छोटा है, अंदर खड़ी नहीं करेंगे, बाहर स्क्रैच लग जाएंगे, ये नहीं बताते कि भैया हमारे जेब में पैसा ही नहीं है। फौरन, हाँ बड़ा अच्छा लगता है, मैंने मूवी में देखा था, देखते रहिए, जिंदगी बीत जाएगी ऐसे। ये पेन है जो जिंदगी भर हमारे को झेलना है, जो कर रहे हैं करते रहो, ये पेन रहेगा ही रहेगा। दूसरा तरीका कि भैया इस पेन की बदलाए एक और पेन ले लो, दूसरों की ना सुनने का। एक के पास जाओ वो हमारा मजाक उड़ाएगा, उड़ाने दो। दूसरे के पास जाओ वो हमारा कहेगा तू भी फंस गया। तीसरा जाकर कहेगा कि यार तेरे को तो समझदार समझा था, मतलब जिसके वो समझदार होता है, उड़ाने दो मजाक।
एक नहीं आएगा, दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा आएगा। हर ताश की 52 पत्तों में चार इक्के, चार बादशाह, चार बेगम होती होती हैं। कितनी बार पलटोगे, 12 मिलेंगे मिलेंगे। उठो और प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, डेमो दिखाओ, प्लान दिखाओ, डेमो दिखाओ। सामने वाला क्या बोल रहा है छोड़ दो। जैसे ही दो बंदों ने ना किया, कुछ नहीं, अपने हाथ को ऊपर उठाओ, उठा लो, पीछे करो, थोड़ा सा नीचे करो, शाबाशी दो। प्लान तो दिखाया उसने, क्या कहा उसकी मतलब, चार बंदों ने ना किया, बड़े घर में आ जाओ, सेलिब्रेट करो, चाय पियो, चॉकलेट लेकर आओ। मैं कई बार बहुत डिप्रेस हुआ हूँ मोदी केयर के अंदर भी, इससे पहले विदेशी कंपनी के अंदर कुछ नहीं करता था। दो तीन चार प्लान दिखाने के बाद सबने मना कर दिया ना, घर जाता था, चाय पीता था, वाइफ की आंखों में जागता था, मम्मी की आंखों में जागता था, बच्चों की तरफ देखता था। एक ही चीज पता चलती थी, इनके सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं। उठ जा बेटा, एक और प्लान दिखा दे, एक और दिन काम कर ले। मैं तो एक ही दिन पे विश्वास करता हूं, उस दिन का नाम है आज। किसी दिन काम करो ना करो, बस आज कर लो। किसी दिन पॉजिटिव रहो ना रहो, बस टुडे, आज टुडे इज द डे। आज पॉजिटिव रह लो, किसी से मिलो या ना मिलो, आज जरूर मिल लो। कोई लिस्ट में नाम लिखो ना लिखो, आज एक नाम जरूर लिख दो। किसी दिन प्रोडक्ट को यूज करो ना करो, सिर्फ एक दिन यूज कर लो, उसका नाम है टुडे। टुडे इज द डे, एक दिन काम कर लो, बस वो है आज। तैयार है? तैयार हैं? बस एक चीज याद रखिए, कभी मत सोचिए कि मैं अभी कौन से लेवल पर हूं। हमेशा अपने दिमाग में एक ही बात सोचिए, क्राउन, आरबीडी, जीबीडी। एक ही चीज सोचिए कि मैं कर सकता हूं और मैं बन गया। मैंने पहले दिन ही विजन बोर्ड पे 5 लाख रुपया लिख दिया था। 5 साल में मैंने पहले दिन ही लिख दिया था टॉप लेवल। 5 साल के अंदर टॉप लेवल 5 साल में तो नहीं आया था, 4 साल 8 महीने में जरूर आ गया था। 5 साल तो नहीं हुए अभी मुझे, 6 साल हो गए हैं, लेकिन 5 लाख भी नहीं आ रहा, लगभग 13 लाख रुपए महीना आ रहा है। अच्छा है या बुरा है आप जानते हो। तो फ्रेंड्स, ये मत सोचिए कि आप नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर पावर नहीं है, तो एक ये सोचिए कि आपकी कीमत क्या है। अगर आपको लग रहा है कि आप हजारों के लिए बने हैं, तो एक हाथ मुझे दे दीजिए, 1 करोड़ रुपए मुझसे ले लीजिए। तैयार हो? चलो दोनों हाथ दे दीजिए, 5 करोड़ रुपए आपके। चलो एक टांग दे दीजिए, 20 करोड़ रुपए आपके। चलो दोनों टांगों दे दो, 50 करोड़ आपके। अपनी आंखें भी दे दो, 100 करोड़ रुपए आपका। अरे भाई, करोड़ों का शरीर भगवान ने हमारे को दे दिया। हम कीड़े भी बन सकते थे, सांप भी बन सकते थे, छिपकली भी बन सकते थे। हम इंसान बने हैं, हमारे अंदर पावर है, और अगर हमारे अंदर पावर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ अपनी पावर को समझो। करोड़ों अरबों रुपए का शरीर हमारा भगवान ने दिया है, हमारे को एक दिमाग दिया है, हम कुछ भी कर सकते हैं। आज रात को सोने से पहले एक कमिटमेंट लीजिए, अपने पेन को उठाइए, डायरी को उठाइए, लिख दीजिए अपना सपना, लिख दीजिए एक कमिटमेंट, 1 साल की 2 साल की 5 साल की, और बन कर आइए यहां पर जीबीडी। और आप यहां पर होंगे, आपकी पूरी टीम आपके साथ में होगी, आपकी पूरी टीम आंखों में आंसू लिए एक कमिटमेंट ले रही होगी कि मेरा भी अगला नंबर है। जिस दिन वो हो गया, तो उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। प्यार हो, प्यार हो, प्यार हो?